हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शोभा जगुड़ी देव भूमि हरिद्वार से और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह की 11 बजे से। तो हम लोग हो चुके हैं तैयार और मेरे साथ प्रिया भी तैयार हो चुकी है यहाँ पे। और हम जा रहे हैं आज घूमने, तो घूमने मतलब पंजाब के पटियाला शहर में, जहाँ प्रिंस जा रखा है। तो हम भी जा रहे हैं प्रिंस को लेने और दिखाते हैं आपको आज पंजाब का पटियाला शहर। और बने रहे हमारे चैनल के साथ, तो चलो चलते हैं। बाय बाय। तो आप कुछ दिनों तक आपको साजी ब्लॉग में नहीं दिखेंगे और उदास है ना? है तूने कर दादी को बाय बाय? आराम से तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड और यहाँ से देखते हैं हमारे पास है या निकल चुकी होगी, क्योंकि हम थोड़ा लेट भी आए हैं घर से। प्रिया को ठंड भी लग रही शायद, है ना प्रिया? नहीं, चलो 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 आ जाओ। तो ये रहा हरिद्वार का बस स्टैंड और बस स्टैंड पे तो अपनी बस देख रहे हैं। प्रिंस के पापा फटाफट भाग रहे हैं कि बस देखने के लिए। वैसे गई नहीं अभी, मुझे भी दिख गई पटियाला की बस। वो देख, प्रिंस ने बोला था ना ब्लू कलर की होती है तो वो रही अभी। हाँ, अभी गई नहीं है, अभी गई नहीं है, अभी नहीं गई है। चलो है। तो गाइस, ये रही पटियाला की बस और इसमें चढ़ते। वहाँ कहाँ जा रहे पीछे? प्रिंस के पापा को पीछे की सीट पसंद है, आगे से बैठ जाओ, यहाँ से भी तो है सीट। चल फिर आगे। तो हम बस में बैठ चुके हैं और हमें अपनी सीट मिल चुकी है। मैंने फिर ये खिड़की खुलेगी, खिड़की देखें। तो अब हम बस चलने का इंतजार कर रहे हैं कि बस कब चलेगी और उसके बाद निकलते हैं अपने सफर को। तो गाइज, हमारी बस जो है हरिद्वार से निकल चुकी है और हम लोग चल पड़े अपने सफर की ओर। मौसम तो आज भी बहुत ठंडा है, लेकिन फिर भी हम लोग चल पड़े प्रिंस को लेने के लिए, क्योंकि प्रिंस को तो लाना ही है, परसों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो इसलिए प्रिंस को लेने चल पड़े। फिर क्या बन रखी है ऐसे ठंड की वजह से? फिर को देखना जरा कैसे छुप रखी है, ठंड लग रही है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर। इस टाइम हम सहारनपुर पहुंच चुके हैं और प्रिया की और मेरी जो है तो तब हो रही है। प्रिया की भी अभी अभी थोड़ा तो हम दोनों ठीक रहे, लेकिन अब दोनों की तबीयत खराब हो रही है ना प्रिया? उल्टी सी हो रही ना, उल्टी सा हो रहा है, उल्टी आ रही थी ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ तो यहाँ पे फिर कुछ चिप्स वगैरह ले लिए अपने लिए। क्या लिया फिर? एक एक चिप्स लिया है, बाकी कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा, उल्टी जैसे मन हो रहा पहले ही। बस में हमारी वैसे भी दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और ठंड भी बहुत लग रही है नहीं, ठंडा भी लग रहा है। फिर यार, मैं अभी तक सो रखे थे। तो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं जगाधरी और यहाँ पे ढाबे पे जो है तो बस भी रुक चुकी है और यहाँ पे कुछ लोग चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। मम्मी, वो देखो वो क्या है? क्या है वो?
कबूतर होंगे और सफर में ना तबीयत भी आज बहुत ज्यादा कुछ खराब हो रही है, इसलिए मम्मी वीडियो नहीं बना पाई, वीडियो भी नहीं बना पा रही मैं इसी वजह से। एक दो मैंने बनाई, ठंड भी लग रही है और तबीयत भी खराब हो रही है, तो यहाँ पे अब चाय पीते हैं। सबसे पहले टॉयलेट जाते हैं, फिर आपको टॉयलेट आ रहा तो टॉयलेट सोते हैं पहले। तो यहीं पे सभी लोग जो है तो चाय नाश्ता कर रहे हैं और हम भी यहाँ पे कुछ खाएंगे। तो क्या खाएगी प्रिया? नूडल्स। तो चलो अब हम भी कुछ खाते हैं। तो ये यहाँ पे मेरी चाय आ चुकी है और सबसे पहले चाय का आनंद लेते हैं। गिराना मत है ना 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 ना, इसी से खाते हैं। मेरी यहाँ पे नूडल खा रही है ना, टेस्ट करो कैसे हो रहे हैं। हमारा चाय नाश्ता हो चुका है और बस भी अब चलने लग गई, तो अब चलते हैं बस में। और फिर यानी भी नूडल्स खा लिए हैं। गाइस हम फाइनली पटियाला बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब देखते हैं आगे जाने को क्या मिलेगा। ऑटो रिक्शा से ही जाएंगे क्योंकि मैंने अभी घर पे बता भी नहीं रखा है, उन लोगों के लिए भी सरप्राइज है। तो अब हम चल रहे हैं और हम दिन के 12 बजे से बैठे हुए हैं और शाम को 6 बज गए हमें आते आते। हम चल रहे हैं लेकिन आप आगे आगे भाग रहे हैं। और ये है पटियाला का बस स्टैंड। तो गाइज हम फाइनली घर पर पहुंच चुके हैं और घर वालों से मैं अगले ब्लॉग में मिलाऊंगी और घर भी मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।